नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, आज आए हैं हम माँ गंगा के दर्शन करने, और दोस्तों इसके बाद जाएंगे हम गंगेश्वर महादेव धाम, जहाँ स्वयंभू शिवलिंग है और ज़मीन से 10 फीट की गहराई पे है नीचे। तो ये देखिए, यहाँ पे आजकल पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, क्योंकि ग्लेशियर पिघलते हैं आजकल, तो पानी का बहाव नॉर्मल सी बात है, तेज़ी होगा आजकल। और ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे। ये जो सामने है ये नेरी गांव यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, जो आपको यहाँ पे ऊपर जो लोकेशन है। और देखिए यहाँ पे ही पास में एक भगवान शिव का बहुत ही अच्छा मंदिर है, और यहाँ पे भगवान का जो एक ज्योतिर्लिंग है वो ऊपर ज़मीन से 10 फीट नीचे है। अभी आपको ब्लॉग में वो भी दिखाएंगे। काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ का, ये देखिए। और अगर हम अभी सितंबर अक्टूबर की बात करें तो ये पूरा झील से लबाला भरा रहता है। आजकल पानी में बहाव भी तेज़ है, रेता बहुत है, तो आजकल झील बहुत नीचे है। मुझे लगता है कंडिसौड़ से भी नीचे झील है आजकल। यहाँ पे झील का तो कोई आजकल सवाल ही नहीं बनता, लेकिन अगर हम नवंबर में यहाँ पे आएँ तो बहुत ज़्यादा पानी रहता है। फिर ये अभी जैसे पानी मिट्टी के कलर का दिख रहा है, तो उस टाइम पे वो पानी पूरा हमें नीला और हरा दिखाई देगा। ये हमारे भक्त हैं रामानंद महाराज जी, और पहुंच चुके हैं जो महादेव गाड़ा भगवान शिव का मंदिर है, यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम। और मैं आपको जिस शिवलिंग को दिखाने की बात कर रहा था वो यहीं पास में है। ये हमारे सामने यहाँ पे वट वृक्ष है, और यहाँ पे पीपल का पेड़ भी। पिछली बारी जब आपदा आई थी तो ये मंदिर पूरा डूब चुका था, तो उसके बाद दोबारा से इस मंदिर में नवनिर्माण हुआ, और अब काफ़ी अच्छे से। तो दोस्तों, जो इस मंदिर का बहुत ही कई सालों पुराना जो शिवलिंग है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। यहाँ पे नंदी जी हैं, देख सकते हो। और जो शिवलिंग है ये है, यहाँ पे शिवलिंग मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों, जैसा मैं बता रहा था, ये वाला जो यहाँ पे शिवलिंग है बहुत प्राचीन शिवलिंग है, और जमीन से कम ये 10 फीट नीचे है। और हमारे गांव और क्षेत्र के आसपास के जितने भी लोग हैं इस मंदिर में हमेशा यहाँ पे आते हैं, और शिवरात्रि में यहाँ पे बहुत भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, और बीच बीच में भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पे लोग भंडारा करते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव का बहुत सिद्ध पीठ है। काफ़ी सालों से हमारे जो गांव के लोग हैं, आसपास के जितने भी लोग हैं, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद लोगों को यहाँ पे मनचाहा फल भी मिलता है। तो जब कभी आप लोग चिन्यालीसौड़ तहसील में आएँ, तो ये यहाँ का शिवद्वाला बोलते हैं, तो शिवद्वाला में आप लोग ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छा है। भागीरथी नदी के किनारे यहाँ पर ये भगवान शिव का जो लिंग है, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे विजिट कर सकते हो। भगवान बालाजी के मंदिर में हम यहाँ पे अभी आ गए हैं। सबसे पहले हम भगवान हनुमान जी के मंदिर में गए, और देखिए बहुत प्यारी मूर्ति है भगवान बालाजी की। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। और यहाँ पे
जहाँ मैं भी आया हूँ, यहाँ भगवान शनि देव का भी यहाँ पे मंदिर है किनारे पे। ये देखिए भगवान पीपल के पेड़ों के बीच में, बहुत ही प्यारा छोटा सा ही मंदिर है भगवान शनि देव का। और ये वाली जो छोटी सी गार्ड है, ये आती है मेरे गांव से। मेरा गांव आपको ये ऊपर दिख रहा होगा लास्ट में, ये बड़ी थी और बड़ी थी के ऊपर कांदला है, तो कांदला बड़ी थी दोनों ही हमारे गांव में। और ये देखिए, ये हमारे गांव से ही ये गार्ड आती है, लेकिन आजकल पानी की बहुत ज़्यादा कमी है तो पानी है नहीं इसमें। खैर ऊपर तो है, क्योंकि आजकल लोगों ने खेतों में भी पानी लगा रखा है, तो यहाँ आते आते पानी पूरा सूख जाता है। और वैसे भी गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में पानी के जो स्रोत हैं काफ़ी हद तक सूख जाते हैं। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ पे फलारी बाबा जी पहले रहते थे, काफ़ी सिद्ध पुरुष थे। कोई भी हमारे यहाँ पे शुभ कार्य होते थे तो वो ज़रूर आते थे वहाँ पे। अभी हमारे बीच में नहीं हैं, और उनका किसी कलाकार ने यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा मूर्ति बनाया था, तो ये मूर्ति मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये जो ये बाबा जी की मूर्ति है, इनको हम फलाहारी बाबा जी बोलते थे, क्योंकि ज़्यादातर फल का आहार करते थे, इसलिए इनको फलाहारी बाबा बोलते थे। जो मूर्ति फलाहारी बाबा जी की है, और अभी यहाँ पे फलाहारी बाबा जी की जो शिष्य हैं वो रहते हैं, तो ये उनकी कुटिया है यहाँ पे सामने। फलाहारी बाबा जी की जो यहाँ पे शिष्य रहते हैं, ये लोग यहीं सामने रहते हैं। और ये पूरा मंदिर प्रांगण है, यहाँ पे हनुमान मंदिर है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। यहाँ पूजा अर्चना अभी ये चल रही है अंदर, है ना। तो ये है, ये पूरा मंदिर प्रांगण है। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत जगह है, हर किसी को अपनी और ये जगह मोह लेगी। और ये रोड है जो यहाँ से ऊपर हाईवे में टच होगी, ये वाली। यहाँ नीचे लोग रेता बजरी के लिए यहाँ पे ट्रक आते हैं, तो एक तरह से छोटा सा बाईपास ही यहाँ पे नदी के किनारे आने का। और ये देखिए पूरा मंदिर प्रांगण। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर और है भगवान भैरवनाथ का, जो हमारे कुल इष्ट देवता हैं। ये देखिए यहाँ पे ये लौ जल रही है भगवान भैरव देवता के मंदिर में, और ये भगवान भैरव देवता के निशान है, चिमटा है जिसमें त्रिशूल है, और ये वज्रदंती का जो आप डंडा देख सकते हो, भगवान भैरव अपने हाथ में लेके इसको चलते हैं। तो ये सभी निशान भगवान भैरव देवता के यहाँ पे हैं। और ये यहाँ से ये गार्ड होते हुए यहाँ पे आप देख सकते, ये है नीचे भागीरथी नदी, तो ये गार्ड जब ऊपर से आती तो ये भागीरथी नदी में मिल जाती है। और अगस्त में तो इस वाली गार्ड में और ये भगवान शिव का मंदिर है यहाँ पे, और अब हम इस मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये भगवान शिव और पार्वती की शिव की मूर्ति, और ये सूर्य वंदे शिवम करगोरगोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदावसंतम प्रलयारविंदे भवम भवमीसहितम नारनिर्वाणरूपम विभुव्यापकम ब्रह्मवेदम स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम देहम चिदाकारम आकाशवासम वदेहम गिराजान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकालकालम कृपालम गुणोवार संसार पारम तोहम तुषारा त्रिशंकाश गौरम वीरम
अनुभूत कोटि प्रवासी शरीरम स्पूर्ण मोह निकलो निंचा पुण्यम पठे सुयादरि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्मितता नस्ते जयति ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं स्वयंभू शिवलिंग गंगेश्वर महादेव जी को। दोस्तों, जो ये शिवलिंग है, ये केदारनाथ मंदिर के जो गर्भगृह में शिवलिंग है, तो दोस्तों उसके समान यह शिवलिंग है। और ये शिवलिंग भी यहाँ पे खुद उत्पन्न हो रखा है, और आप लोग देख सकते हो ज़मीन से लगभग 11-12 फीट नीचे ये शिवलिंग है। और दोस्तों, इस शिवलिंग की एक मुख्य विशेषता ये है कि इस शिवलिंग में आप लोग थोड़ा कैमरा जूम नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को बताता कि इसमें अलग अलग प्रकार के शिवलिंग इसमें इसी एक शिला में आ रहे हैं। और इसमें लगभग 1000 से ज़्यादा शिवलिंग इसी में हैं, छोटे छोटे। और दोस्तों, मैं यहाँ पे मुकुल भाई को इन शिवलिंगों को दिखा रहा हूँ जो इस पे छोटे छोटे से लगे हैं, और अभी भी दोस्तों ये शिवलिंग इस पे आ ही रहे हैं छोटे छोटे से। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे साक्षात महादेव विराजमान हैं। और दोस्तों, और यहाँ भक्तजनों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है।